कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर में गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज गदरपुर में प्रस्तावित गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस मौके पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर के विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रस्तावित बाईपास जो तकनीकी कारणों से रुका हुआ है, जल्द निर्माण शुरू होगा। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गोस द्वारा विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। आज गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया गया है, जो कि 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसके गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। शिकायत पर रुड़की की उच्च संस्था से भी जांच करवाई जा सकती है। यह हॉस्टल कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ने वाली बच्चियों के लिए होगा। इस हॉस्टल में 50 लड़कियों के रहने की व्यवस्था है। ऐसे और हॉस्टल प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ये भी कहा कि उधम सिंह नगर जिले में एक बालिका खेल स्कूल बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसका भूमि का चयन होते ही जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। वहीं प्रदेश की टॉपर ब्यूटी अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री ने आज हमें सम्मान दिया है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, तथा आगे की शिक्षा वह MBBS डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। गुलाम गौस जी, आपको आमंत्रित करता हूँ कि धन्यवाद स्वरूप आभार स्वरूप आपके हैं। गुलाम गौस जी, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने पूरे प्रदेश का भी नाम रोशन करें। डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं और एम्स से MBBS डॉक्टर। माननीय मंत्री जी द्वारा और यह समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से इसको हम निर्माण कर रहे हैं। लगभग 4 करोड़ रुपए से कुछ कम की योजना है, और पहले जब हमने योजना को बनाया था इसको समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बालिकाओं के लिए, और 50 बेटियों के रहने का प्रावधान हमने किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज बहुत की मांग है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, हमने बड़ी मांग की, और अब हमको ऊपर से हमारी मांग के अनुरूप हमको आशीर्वाद भी मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसको हम 6 से लेकर 8 से बढ़ा के हम 12वीं तक की बेटियों को इस मौके से हम इसमें सुविधा देंगे। और जो 50 बेटियों की रहने की व्यवस्था थी बेड की, उसको हम लगभग 300 तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है कि 300 बेटियों के इसमें रहने की व्यवस्था होगी। और 6 से लेकर 12 के बजाय कोशिश होगी कि हमारे वार्डन वोडन जो हमारी नियुक्त होंगी, अध्यापिकाएँ नियुक्त होंगी, उससे परामर्श के पश्चात 4वीं और 5वीं की बेटियों को भी हम।